हमीरपुर जनपद में दहेज लोभियों के द्वारा दहेज की मांग पूरी न होने पर बारात दुल्हन को लिए बगैर आधी अधूरी रस्म कर वापस लौट गई। इस मामले में वधु पक्ष के परिजनों के बीच हड़कंप मच गया, जिसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस के द्वारा मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। पूरा मामला हमीरपुर जिले के राठ कस्बे के सिकंदरपुरा का है, जहां के निवासी शाहिद खान पुत्र हमीद खान ने जानकारी देते हुए बताया कि उसने अपनी पुत्री खुशबू खातून का निकाह हमीरपुर नगर के कालपी चौराहा क्षेत्र के निवासी रियाज मोहम्मद के पुत्र जहूर मोहम्मद के साथ तय किया था। उसने बताया कि सगाई के दौरान दहेज की तय रकम 2 लाख की नकदी और सोने के अंगूठी वर पक्ष को उसने दी थी, जिसके बाद उसकी पुत्री खुशबू का विवाह रात के समय राठ कस्बे के ईशगा गार्डन में संपन्न हो रहा था। तभी सवेरे रस्मों के बीच वर पक्ष के लोगों के द्वारा 3 लाख की नकदी और गाड़ी की अतिरिक्त मांग को लेकर हंगामा शुरू हो गया। उन्होंने बताया कि उन्हें समझाने का काफी प्रयास किया गया, लेकिन वे अभद्रता करते हुए जबरन दहेज का आधा अधूरा सामान भरकर फरार हो गए। मामले में पीड़ित पक्ष ने राठ कोतवाली में तहरीर देकर लड़के पक्ष पर कार्रवाई की मांग की है। क्या नाम है आपका? खुशबू। खुशबू, क्या समस्या है, क्या दिक्कत हो गई है? क्या नाम है आपका? हुसैना। क्या समस्या हो गई है भाई? हमने 2 लाख रुपए दिए थे पक्यात में, 3 लाख की और मांग कर रहे थे, हम नहीं दे पाए तुझे, अभी बड़ा चल। क्या हुआ, शादी बीच से छोड़ के चले गए? क्या नाम है आपका? अनीफ नाम है। अनीफ, क्या समस्या है, क्या घटना हो गई है? हमारी ये घटना हो गई है कि कल रात में शादी भांजी की हुई थी, बारात आई थी, सगाई में हम 2 लाख रुपए कैश और सोने की अंगूठी दे चुके थे। कल जो लोग आए हैं तो 3 लाख रुपए कैश और गाड़ी की इन लोगों ने मांग की है। गाड़ी आते ही गाली गलौज करने लगे, गाली गलौज करने लगे तो उनको बोला गया कि नहीं भाई, नहीं हो पा रहा, पलाट लेके इतना लिया दिया जितना होता काम आप लोगों को किया, नहीं माने वो आधा दहेज ले गए और दहेज लेके वो लोग चले गए थे। निकाह भी किया, दहेज लेके वो चले गए, कहते हमको नहीं ले जाना है, कहते पहले 3 लाख रुपये गाड़ी दे जाओ, फिर इसके बाद हम आपकी लड़की को भांजी को ले जाएंगे। कहाँ के और कौन, कहाँ से बारात आई थी, क्या नाम है उनका? हमीरपुर से बारात आई थी, लड़के का नाम राज मोहम्मद, उसके बाप का नाम जहूर है। क्या शादी बीच पे तोड़ के भाग गए? बीच में निकाह भी हो गया, मगर निकाह होते निकाह करके भी वो छोड़ के चला गया। अच्छा, पुलिस को सूचना दी आप लोगों ने? पुलिस को सूचना दी है, पुलिस आई थी, मौके पर माना किया उन लोगों ने, उन लोगों को कोई मीटिंग में बात हुई, उन लोगों को जाने दिया। कहाँ का मामला है? सिकंदरपुरा, सिकंदरपुरा का मामला है, इसका गार्डन पे शादी है।